सकते हैं कि टोटल PYQ था 18-19 और 20-21 टोटल PYQ क्वेश्चन था। 65 से कम नहीं आ सकता। मीडियम लेवल था, 2018 का MCQ आया था। दुख ये है कि किसी का ए पार्ट आ रहा था, किसी का बी पार्ट आ रहा था, किसी का आ ही नहीं रहा था। रूम में पानी मिलता था कि नहीं? पानी भी है, सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल। आपको पता है आज BTEC फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है। जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि AKU जो पहले यूनिवर्सिटी थे अब BEU यूनिवर्सिटी आ गया है, तो नए यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या क्या प्लान किया गया है, चलिए आइए हम जूनियर से बात करते हैं। और उसका एग्जाम कैसा गया, क्वेश्चन पैटर्न कैसा था, फैकल्टी कैसे ट्रीट किया, बाकी वहाँ पर उसको कोई कठिनाई भी हुआ, इस सब के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ जूनियर हैं, उससे हम बात करेंगे, चलिए उसके बाद बात करते हैं। आइए हम जूनियर से बात करते हैं, कैसा गया एग्जाम? एग्जाम बढ़िया गया। और पेपर कैसा था? पेपर बिल्कुल आसान था, मतलब मीडियम मान सकते हैं कि टोटल PYQ था 18-19 और 20-21 टोटल PYQ क्वेश्चन था। तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? क्वेश्चन तो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 9 था जिसमें 5 अटेम्प्ट करना था, तो क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट किए हैं। और यहाँ का फैकल्टी कैसे ट्रीट किए हैं? फैकल्टी सारे अच्छे थे, जो भी थे फैकल्टी अच्छा ट्रीट किए। और प्रिंसिपल सर भी आए, बोले कि अच्छा से लिखना, फर्स्ट सेम है जिसमें कि तुम्हारा सारा आगे भी अच्छा होगा, तो अच्छे से लिखना क्योंकि सारा भी CCTV कैमरा में रिकॉर्ड होता है। अच्छा, फैकल्टी यहाँ के इंटरनल थे या फिर एक्सटर्नल थे? एक्सटर्नल भी थे, एक्सटर्नल ही थे सारा, एक्सटर्नल ही। और अंदर में क्या क्या व्यवस्था दिया, जैसे अगर किसी को प्यास लगता है तो फिर वहाँ पे क्या चीज़? हाँ, तो पानी का व्यवस्था था, पानी पिलाने के लिए मतलब दिया गया था। स्टाफ लोग थे हाँ। और जैसे अभी बताया हो कौन सा एग्जाम था अभी? एग्जाम केमिस्ट्री का। तो जितना भी पेपर था, मतलब जितना भी क्वेश्चन आया था, वो सब PYQ था? बिल्कुल। अगर कोई भी अगर जैसे 3-4 साल का PYQ करके जाता है तो वो आराम से पास हो जाएगा? आराम से PYQ जो कर लेगा कम से कम 50-60 मार्क्स आराम से लाएगा। तुम्हारा भी एग्जाम PYQ आराम से देंगे, एग्जाम आराम से आएगा नंबर। PYQ पूरा 4 साल का लगाइए, एकदम अच्छा केमिस्ट्री में नंबर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझना चाह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बताइए कैसा गया, बताइए। अच्छा, तो आइए बढ़िया गया जी। कितना बनाया 100% बनाया। 100% मार्क्स का? कितना मार्क्स का बनाया? 70 में 70 मतलब आएगा कितना? फिर भी 65 से कम नहीं आ सकता। ओके okay. आएगा तो क्वेश्चन पैटर्न क्या था, कैसा गया एग्जाम? जैसा पढ़े थे सर वैसा ही गया। और पेपर कैसा था? पेपर मीडियम लेवल था, 2018 का MCQ आया था। हाँ, तो PYQ कर गया था कि नहीं? हाँ, PYQ करके गए थे, कुछ चिल्ला के बोले थे PYQ कर लेना, तो कर किया ही होगा सब, इसीलिए अच्छा गया। सब लोग किया था, 2019 के बाद का किया था। अंदर में कैसा व्यवस्था था? अंदर में व्यवस्था सर पूरा टाइट था, मतलब टाइट एग्जाम लिया जा रहा था। इन्विजिलेटर थे वो कहाँ थे, इंटरनल थे या फिर एक्सटर्नल? मेरे हॉल में एक इंटरनल थे और एक एक्सटर्नल। अच्छा था। बहुत बढ़िया गया। कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था। प्रीवियस ईयर करके गया था कि नहीं? हाँ, करके गया। कितना नंबर आएगा? 40-45। ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे। बहुत टाइट हवा पानी टाइट। चलो ठीक है। आपका शुभ नाम? राजंस। ठीक है, तुम्हारा दुख क्या है? दुख ये है कि किसी का ए पार्ट आ रहा था, किसी का बी पार्ट आ रहा था, किसी का आ ही नहीं रहा था। मतलब तुम PYQ करके नहीं गए क्या? PYQ करके गए हाँ, और ए बी पार्ट में हो गया गलती। कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर होता है कि अगर कोई क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रहता है तो एक आता है एक नहीं आता है, ठीक। इसलिए हम किसी का ए बना दिए, किसी का बी बना दिए, पर 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। कंप्लीट हुआ है ना? हाँ। बस डरना नहीं है, नंबर अच्छा आएगा सबका, बेस्ट विशेष रहेगी हम लोग का, ठीक है। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम बहुत बढ़िया गया सर। क्या चीज़ का एग्जाम था, फिजिक्स था या केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का एग्जाम था। क्वेश्चन पैटर्न कैसा था? क्वेश्चन पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। कितना अटेम्प्ट किए हो टोटल? टोटल हाँ 70 में 70। 70 में 70 तो अटेम्प्ट किया, बट 60 अबव आ सकता है। वहाँ अंदर में जो कॉलेज फैकल्टी थे एक्सटर्नल, कैसे थे वो लोग? वो बढ़िया थे। ट्रीट कैसे किए, टाइट एग्जाम था या लूज थोड़ा या मीडियम? मतलब इन लोग को छूट मिला है, 7th सेमेस्टर को नहीं मिला था। और अंदर व्यवस्था कैसी थी? अंदर व्यवस्था अच्छी थी, यानी अगर किसी को प्यास लगता है तो वॉशरूम जाने के लिए मिलता था, अलाउ था। और रूम में पानी मिलता था कि नहीं? पानी भी, सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल। बाकी तो कैमरा वैमरा लगा था, तो थोड़ा हालात तो थोड़ा टाइट हो गई होगी। यस, अंदर से थोड़ा डर पैदा, डर जो है ना, डर को निकाल देना चाहिए, अपना मनोबल ठीक कर लेना चाहिए। तो बाकी ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पिंटू कुमार यादव। पिंटू कुमार यादव। तो गाइज देख सकते हैं कि ये भी अभी बोले हैं कि PYQ से क्वेश्चन पूछा है। तो गाइज जैसा कि आप देख लिए हैं, बहुत बच्चा अभी बोले हैं कि PYQ से क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो UPSC, BPSC, GATE, AE, JE, FEI, कुछ भी हो, आप PYQ करके ही जाइए, क्योंकि अगर PYQ करते हैं तो आपको वो रियलिस्टिक पता चलेगा, रियलिटी क्या है उसका, मतलब क्वेश्चन पैटर्न पता चलेगा, फिर हकीकत भी पता चलेगा। तो अभी
फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी PYQ ही क्वेश्चन पूछा गया, 2018 से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आशा करते हैं कि अगर आप लोग कोई वीडियो अगर यानी अगर आप लोग अगर आगे से कोई एग्ज़ाम देते हैं तो PYQ ही कीजिए। तो चलिए बाय बाय, इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगला दिन जिस दिन भी एग्ज़ाम होगा, शायद परसों है तो उस दिन मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और देखते रहिए टेबल 360।